दोस्तों, इस दुनिया में पक्षी इतने क्यूट और खूबसूरत होते हैं कि लोग इन पक्षियों की खूबसूरती के दीवाने होते हैं और अपने शौक के अनुसार इन पक्षियों को अपने घरों में पालते भी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपकी मुलाकात कभी खूंखार, घमंडी और ढीठ पक्षी से हुआ है जो पल भर में किसी का भी जान ले सकता है? अगर नहीं हुआ तो दोस्तों, हम आज अपने इस वीडियो में ऐसे ही 5 समुद्री पक्षियों के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, सीगल। दोस्तों, क्या आपका सामना किसी गुस्सैल, घमंडी और ढीठ पक्षी से हुआ है? नहीं हुआ तो सीगल से मिलिए। सीगल एक ऐसा पक्षी है जिसमें ये सारे गुण मौजूद हैं। दोस्तों, सीगल एक बेहद ही चालाक और आक्रामककारी पक्षी है जो हर समय शिकार के तलाश में रहता है, और जब भी कोई शिकार इसे मिलता है तो इसके नजरों से उसका बचने की संभावना काफी कम होती है, क्योंकि ये पक्षी इतने ढीठ और निडर होते हैं कि ये अपने से बड़े आकार के पक्षियों से भी नहीं डरते और उस पर भी हमला कर देते हैं। ये पक्षी अधिकतर पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक ऐसा पक्षी है जो समुद्र के खारे पानी भी पी सकते हैं और नदियों के मीठे पानी भी पी सकते हैं। इन पक्षियों की लंबाई 35 से 80 सेंटीमीटर तक होता है और इनका वजन 150 से 1800 ग्राम तक होता है। दोस्तों, इन पक्षियों की 20 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इन पक्षियों की खाने की बात करें तो ये छोटे छोटे मछलियां, छोटे पक्षी, बिल्ली, खरगोश और चूहे जैसी जीवों का शिकार करते हैं। नंबर 4, साउथर्न जायंट पेट्रेल बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी समुद्र में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है। दोस्तों, ये पक्षी इतनी खूंखार होती है कि ये अपने शिकार को मरने तक का भी इंतजार नहीं करती और उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले ये पक्षी अधिकतर अपना शिकार अन्य समुद्री पक्षियों को बनाते हैं। दोस्तों, इन पक्षियों की चोंच काफी मजबूत होती है और अपने इस चोंच की मदद से अपने शिकार पर इतना जोरदार हमला करता है कि इस हमले से इसके शिकार पर पहली ही बार में गहरा घाव हो जाता है। ये पक्षी कभी भी अकेले अपने शिकार पर हमला नहीं करता है, ये हमेशा झुंड में ही अपने शिकार पर हमला करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगहों पर शिकार करने में सक्षम होता है। नंबर 3, जूनिंग ग्रीफ। दोस्तों, जूनिंग ग्रीफ पक्षी को जूनिंग फ्लाइटलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी काले और सफेद रंग के होते हैं और साथ ही इनकी आंखें लाल रंग की होती हैं, जिससे कि इन पक्षियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन इन पक्षियों को देखना काफी ही मुश्किल होता है क्योंकि ये पक्षी काफी कम संख्या में बची हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये पक्षी पेरू के जूनिंग लेग में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये पक्षी लेक्स में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये पानी के किनारे कभी कभार ही आते हैं। यहाँ की सरकार इन पक्षियों को बचाने के लिए हमेशा इस लेग में कुछ न कुछ पहल करती रहती है और इस लेग में मछली मारने और शिकार करने पर भी रोक है। नंबर 2, व्हाइट पेलिकन। दोस्तों, व्हाइट पेलिकन पक्षी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में से एक है। ये एक वजनदार उड़ने वाला समुद्री पक्षी है। दोस्तों, इन पक्षियों के नर का वजन 9 से 15 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, इतना अधिक वजन होने के बावजूद भी ये एक मजबूत और तेज उड़ने वाला पक्षी है। ये पक्षी भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। इन पक्षियों की चोंच लंबे होते हैं और चोंच के निचले हिस्से से गले तक एक थैली होती है। इस थैली का उपयोग ये शिकार पकड़ने के लिए करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये पक्षी अपने झिल्लीदार पंजों की मदद से पानी में तैरते हुए भी उड़ान भर सकती है। इन पक्षियों की नाक नहीं होती है, ये पक्षी मुंह से ही सांस लेते हैं। नंबर 1, दोस्तों, जो हमारे पहले नंबर की पक्षी है उसे डपचिक या पनडुब्बी के नाम से जाना जाता है। ये पक्षी ज्यादातर पानी में रहते हैं। दोस्तों, ये पक्षी ग्रेवी परिवार से बिलोंग करता है। ये पक्षी ग्रेवी परिवार का सबसे छोटा पक्षी है। दोस्तों, ये पक्षी भारत के लगभग हर झील और तालाब में पाया जा सकता है। इन पक्षियों का चोंच छोटा और नुकीला होता है और इनकी चोंच की दोनों तरफ पीले रंग की धारियां बनी होती हैं। दोस्तों, ये पक्षी पानी में डुबकी लगाकर पानी के नीचे से ही काफी दूर तक तैर सकती हैं। दोस्तों, ये पक्षी जमीन पर सही से नहीं चल पाते हैं क्योंकि इनके पैर के पंजे जालीदार होते हैं। ये पक्षी बेहद शर्मीले और एकांत में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस प्रजाति की नर और मादा दोनों पक्षी एक जैसे ही दिखते हैं और इनकी खाने की बात करें तो ये छोटे छोटे मछलियां और पानी में पाए जाने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।